एग्जाम्पल 4.9, एग्जाम्पल 4.9, अ सोलेनोइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर हैज अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड इज मेड अप ऑफ 500 टन्स। ये लेंथ दे दी आपको सोलेनोइड की, कैपिटल एल 0.5 मीटर, और नंबर ऑफ टन्स दे दिया कैपिटल एन। ये नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ नहीं है बल्कि कैपिटल एन है, टोटल टन्स कैपिटल एन 500। रेडियस स्मॉल ए, मैंने पढ़ाया है सोलेनोइड की रेडियस स्मॉल ए है, ये दे दी गई। और आप देख रहे हैं कि आर की वैल्यू ए से बहुत ज़्यादा है, 20 टाइम्स से भी ज़्यादा है। दैट्स वाई वी कैन ट्रीट दैट सोलेनोइड एज ए लॉन्ग सोलेनोइड। और करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पीयर, ये करंट इन 1 टर्न है। व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, आपको सोलेनोइड के अंदर का फील्ड डिटरमाइन करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कैपिटल एन 500 है, कैपिटल एल 0.5 मीटर है, और रेडियस 1 सेंटीमीटर है। तो ये लॉन्ग सोलेनोइड हुआ क्योंकि एल की वैल्यू ए से बहुत ज़्यादा है, और करंट इन सोलेनोइड 5 एम्पीयर है। वी इनसाइड, सोलेनोइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला रहता है म्यू नॉट स्मॉल एन आई। स्मॉल एन को आप कैपिटल एन अपॉन एल लिख सकते हैं क्योंकि स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷। एन 500, एल 0.5 और आई की वैल्यू 5। सॉल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा 6.28 × 10⁻³ टेस्ला। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये।